आरडी शर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 16 देख रहे हैं। टेंजेंट्स और नॉर्मल्स हम ले रहे हैं VSAQ, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व दिया है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप देखिए, ये आपका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और हम एंगल कैसे निकालते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहां से? एक्स एक्सिस से। इसी को हम स्लोप या टैन थीटा ये सब कहते हैं। तो यहां पर तो ये कह रहे हैं कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी कि इसका जो स्लोप है वो जीरो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसका मतलब ये है आप इसको डिफरेंशिएट करिए, सीधा जीरो रख दीजिए, क्योंकि डीवाइड बाई डी एक्स जो होता है वही आपको बताता है इसका स्लोप। इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या बनेगा? 2x - 2, है ना। और मैंने आपसे क्या कहा, इसको किसके बराबर रखना है? इसको बराबर रखना है जीरो के। क्यों? क्योंकि यहां पर खुद दिया है कि जो स्लोप है वो जीरो है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो 2x = 2, x = 1, है ना। x 1 आ गया, इसमें डाल दीजिए, क्या आएगा? y = 1² - 2 × 1 + 3, यानी कि 3 + 1, और ये -2, यानी कि आपका 2 आ गया। तो पॉइंट क्या हुआ है? 1, 2, ये इस तरीके से हो जाएगा। रेफरेंस के लिए मैं आपको सोल्यूशन जरूर दिखा देता हूं, ताकि आप खुद कर सके। इजी सवाल था ये। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब यहां पर दो आपको कर्व दिए हैं और आपको निकालना है एट t = 2। तो पहले तो आपके पास dy/dx वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर आपको dx/dt निकालना होगा, यहाँ पर आपको dy/dt निकालना होगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होगा, यानी कि इसको इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ले जाके, और फिर t = 2 पे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। dx/dt क्या बना? ये बना 2t और +3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आइए, इसका dy/dx निकालते हैं, क्या आता है इसका? 2 × 4, 4t, और ये -2, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मैंने आपको बताया था, इसको उठाइए, इसके नीचे रख दीजिए dx/dt। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2t + 3, ये आपका हो गया dy/dx। और आपको dy/dx यानी कि स्लोप निकालना है, यही स्लोप होता है, उसको निकालना है t = 2 पे। तो यहाँ 4 × t की जगह 2 रख दीजिए, 2 - 2 / 2 × 2 +3, तो ये आ गया आपका 6, 8 - 2, 6, ये हो गया 4, 4, 2 + 4, 4 + 3, 6/7 इसका आंसर आ गया जी। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है आपके लिए। इफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट xy ऑन द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ dy/dx। अभी आपको मैंने समझाया कि भाई अगर कोई भी लाइन का हमें एंगल निकालना है, जैसे इसका निकालना है, तो हम क्या करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस ही हो तो एंगल तो जीरो हो गया, यानी कि कोई लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, इधर हो चाहे इधर हो, तो इसका स्लोप क्या होगा? जीरो ही होगा। तो dy/dx क्या होगा? जो कि स्लोप हम कहते हैं जीरो होगा, इसका उत्तर ही जीरो है। लेकिन लिखना कैसे है आपको, वो यहां देखिए, इस तरीके से प्रॉपर लिखेंगे आप। राइट द वैल्यू ऑफ dy/dx इज द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट xy इज पैरेलल टू yx। अब आप देखिए, थोड़ा सा इसमें ट्रिक बना दिया इन्होंने। इन्होंने ये नहीं कहा कि पैरेलल टू x एक्सिस, पहली चीज, और ये भी नहीं कहा कि टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस जीरो। लेकिन इन्होंने कहा एक नॉर्मल है, साथ में पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है आपका। और नॉर्मल यहां से एंगल लेते हैं आप, है ना, ये कितना आएगा आपका? 90 डिग्री, tan 90 डिग्री निकालते हैं हम, ये क्या होता है? इनफाइनाइट। तो नॉर्मल का, या इस तरीके से मैं लिख दूं, नॉर्मल का जो स्लोप है वो तो इनफाइनाइट है। आपको निकालना है dy/dx, यानी कि स्लोप निकालना है टेंजेंट की। वो कैसे निकल के आएगा? स्लोप टेंजेंट की क्या होगी? आप जानते हैं स्लोप टेंजेंट, अगर नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आता है। एक का इनफाइनाइट है, दूसरे का निकालना है, क्या होगा? टेंजेंट का क्या होगा? -1/इनफाइनाइट। किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो जीरो आता है, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। वैसे भी देखिए, अगर इसके परपेंडिकुलर मैं लाइन बनाऊं तो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और अभी तक के डिस्कशन में ये साबित हो गया है कि इसका जो स्लोप होता है वो जीरो होता है, कोई भी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको लिखना भी है। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन राइट द वैल्यू ऑफ dy/dx। अब क्या है कि आपके पास स्लोप निकालना है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब इस तरीके से एक लाइन है जो x एक्सिस से भी 45 डिग्री बना रही है, y एक्सिस से भी 45 डिग्री बना रही है। इक्वली लाइन का मतलब यही होता है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में तो हमारे पास 90 डिग्री ही होता है, है ना। अब ये क्या है कि हम जब एंटी क्लॉक, अब ये जो एंगल है यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन से आप जब मानते हैं तो ये लाइन का आ जाएगा। और आप कहेंगे भाई हम सीधा tan थीटा निकालते हैं, tan 45 डिग्री निकालेंगे, और ये आपका 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 इसका उत्तर है,
लेकिन साहब वन इसका उत्तर नहीं। dy by dx या फिर tan 45 डिग्री या tan 45 डिग्री जो हमने रखा वो वन आ गया। लेकिन ये देखिए इस एंगल को भी तो लोगे आप, ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चलोगे और फिर नापोगे तो माइनस में आता है, यानी कि ये tan माइनस 45 डिग्री भी आप कहेंगे, ये तो कहेंगे, तो ये माइनस वन आएगा। इसका उत्तर प्लस माइनस वन दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। लिखना आपको कुछ इस तरीके से है, अगर डायग्राम बना दें तो ज्यादा बेहतर है। इफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व एफ एक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए यहां पर आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन्होंने कहा जो टेंजेंट है इस कर्व का, कोई भी कर्व हो सकता है, इस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस ये हो गया। इसका मतलब यहां से हम एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, ये कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो आप tan 90 डिग्री निकाल दीजिए बस, है ना, tan 90 डिग्री निकालना है आपको, पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, है ना, इस क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया, आप 90 tan 90 डिग्री निकालेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। इफ द टेंजेंट ऑफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो इसका एंगल क्या होगा, tan 90 डिग्री, और यही tan 90 डिग्री आपका इनफाइनाइट होता है, समझ रहे ना आप, तो यही इसका स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इनफाइनाइट होता है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो यही होगा, इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई किताबों में, मैं आपको ये जरूर दिखा दूं, कई सॉल्यूशंस में, कई किताबों में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये अमान्य है, क्योंकि जब भी आप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम एंगल ये लेते हैं और इसी एंगल को टेन में डाल देते हैं, है ना। जब पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो एंगल जीरो है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एंगल क्या है, डीवाई बाई डी एक्स क्या है इसका, है ना, टेन 90 डिग्री वो जो आपका नाइन जो आपका इनफाइनाइट आएगा, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसका उत्तर इनफाइनाइट ही होगा जी। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द पॉइंट टी ऑन द कर्व दिस एक्स बराबर 1/t y इक्वल्स टू टी। तो इसमें कुछ करना नहीं है, पहले तो आप डिफरेंशिएट कर दो आप, ठीक है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx by dt जो है आपका माइनस 1/t स्क्वायर, आप जानते ही हैं। अब मैं dy by dt निकाल रहा हूं, ये आपका आ रहा है 1, अब इसको इसके नीचे लाइए, डिवाइड कर दीजिए dx by dt को, तो dy by dx आ जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, माइनस टी स्क्वायर आ गया, ये आपका dy by dx आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्लोप निकालिए नॉर्मल का, तो नॉर्मल का और टेंजेंट का आप स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन का, ये जैसे लाइन है तो इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो ये माइनस वन होगा। इसका मतलब ये है कि dy by dx नहीं निकालना है हमको, निकालना है माइनस वन by dy by dx, ये तो निकालना है ना, माइनस वन by dy by dx निकालना है, ये तो dy by dx आएगा, तो माइनस वन by माइनस टी स्क्वायर निकालना है आप, यही तो चीज है, तो ये क्या आएगा, 1/t², इसका उत्तर होगा 1/t², ये ध्यान रखिएगा। इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, लेकिन उत्तर इसका इस तरीके से आएगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y² = x वेयर द टेंजेंट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस। अब π/4 विद x एक्सिस, अगर ये इस तरीके से एक एंगल, एक टेंजेंट है और ये 45 डिग्री यानी कि π/4 बना रही है, तो आपका tan 45 डिग्री यानी कि आपका 1 जो है इसका dy by dx है, बेसिकली स्लोप है, तो dy by dx निकाल लेते हैं इसका, 2y dy by dx बराबर 1, dy by dx क्या होगा इसका 1/2y, है ना, और dy by dx इसका क्या दिया हुआ है आपको, आपको वो 1 दिया हुआ है, यहां से ले लीजिए, यही dy by dx है, तो ये आप 1 के बराबर करेंगे तो y यहां से क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। अब y हाफ है तो इसमें दोबारा रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर बराबर 1 यानी बराबर x, तो x आ गया आपका 1/4, तो पॉइंट क्या आ गया, 1/4 और 1/2, मैंने क्या किया है, x कॉमा y रखा है, यही चीज आपको निकालनी थी क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट्स मांगे। अब ये होगा कैसे, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत कम शब्दों में बता दिया, लेकिन आपको लिखना करना एग्जाम में इस तरीके से, राइट द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स दिस y इक्वल्स दिस एट t इक्वल्स टू π/4 विद द x एक्सिस। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, dy by dx करिए, t की जगह π/4 डाल दीजिए, ध्यान रहे साइन π/4 और कॉस π/4 या कहें 45 डिग्री ये दोनों 1/√2 होते हैं, ये आपको करना है। तो सीधा पहले मैं इसको dx by dt कर देता हूं, क्या होगा जी, e^t cos t का होगा माइनस साइन t, फिर प्लस कर दीजिए cos t को, ऐसे रखिए e^t ही हो रहेगा, ठीक है। अब मैं इसका कर रहा हूं dy by, यहां करता हूं क्योंकि इसको हम डिवाइड कर देंगे सीधा, dy by dt कर रहे हैं, ये हो जाएगा e^t sin t का, तो cos t होता है केवल, प्लस e^t, अब sin t को ऐसे लिख देंगे और e^t का e^t ही होता है,
कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसके नीचे डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये पूरा क्वांटिटी उठाइए, लाग दीजिए ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी ई टू द पावर टी। अब सबसे ई की पावर टी डिवाइड कर दीजिए या कॉमन ले लीजिए, तो ई की पावर टी ई की पावर टी ई की पावर टी ई की पावर टी कट कट जाएगा आपका, आपका क्या है कॉस टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ cos, इसको आगे लिख देता हूँ cos t माइनस sin t। अब t की जगह आपको क्या रखना है पाई बाय फोर, इसकी जगह पाई बाय फोर रख दीजिए, पाई बाय फोर पाई बाय फोर पाई बाय फोर, मैंने आपको बता रखा है ये वन बाय रूट टू होता है, तो बेसिकली वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू। अब ये तो आपका जीरो आ गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट आ गया। अब देखिए tan थीटा, बेसिकली आपका ये tan थीटा आया है इनफाइनाइट, इसका मतलब थीटा क्या है पाई बाय टू है ना, 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री आ जाएगा, tan थीटा इनफाइनाइट तभी होता, तभी तो ये इनफाइनाइट आया, यही तो आपका dy बाई डी एक्स है और यही आपका tan थीटा है, एक ही चीज़ है, ये इनफाइनाइट आया और हम जानते हैं tan पाई बाई टू इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए पाई बाई टू। इसको आप पूरी तरीके से ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स x प्लस साइन x कॉस x एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करिए, आपको ऑलरेडी x बराबर पाई बाई टू दिया हुआ है, उसको रख दीजिए वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब पहले मैं यहाँ इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करके क्या आता है देखिए dy बाई डी एक्स कर रहे हैं हम, x का होगा 1, साइन एक्स कॉस एक्स का हम ऐसे करेंगे साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यहाँ पर कर दीजिए, अब हमने ऑलरेडी कर दिया, देखिए साइन एक्स मैंने रखा कॉस एक्स का कर दिया, हम कॉस एक्स रखेंगे साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है जी। बेसिकली आपका ये बन रहा है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ ले लिया वन प्लस और इस माइनस को यहाँ ले लिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऑलराइट। लेकिन ये है आपका स्लोप, ये है टेंजेंट, अब ये आपको निकालना है एक्स बराबर पाई बाई टू पे, तो एक्स बराबर पाई बाई टू पे निकाल लेते हैं, यानी कि आपको पाई बाई टू रखना है, मैंने आपको बताया था कॉस पाई बाई टू, जैसे कॉस जीरो याद रखिएगा वन होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, ऐसे ही साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन पाई बाई टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, वही आपको यहाँ रखना है, है ना। तो ये इसमें कॉस हम यहाँ रखेंगे वन प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई टू, अब यहाँ जो मैंने वैल्यूज बताई है वो रख दीजिए, कॉस पाई बाई टू जीरो और ये हो गया वन, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका जीरो, ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखिए, जब एक्स बराबर पाई बाई टू है तो वाई की क्या वैल्यू आएगी, आपको तो इक्वेशन निकालनी है ना, अगर x पाई बाई टू है तो y क्या आएगी, चलिए ये वो यहाँ निकाल लेते हैं, तो y बराबर x की जगह मैं पाई बाई टू रख रहा हूँ प्लस साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू। अब देखिए साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू में साइन हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो एक जगह 1 है तो दूसरी जगह 0 होगा, तो ये तो अपने आप 0 आ जाएगा आपका, तो ये पाई बाई टू हो गया आपका, तो यानी कि पॉइंट्स आ गए, एक्स है आपका पाई बाई टू, वाई है पाई बाई टू, ये पॉइंट हो गए और डी वाई बाई डी एक्स हो गया, लेकिन आपको निकालना है नॉर्मल का। अब नॉर्मल और टेंजेंट के स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वन आता है, टेंजेंट का जीरो है, नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल का अगर इसी तरीके से लिया जाए, वैसे तो हम कभी भी डिवाइडेड बाय जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे अभी और इक्वेशन बनाएंगे, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा बनेगा, तो वाई माइनस वाई वन क्या है, ये पाई बाई टू, दोनों ही पाई बाई टू है, ये भी एक्स माइनस पाई बाई टू है बराबर एम, एम क्या है माइनस वन बाय जीरो, तो इससे क्या करेंगे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, दोनों साइड माइनस वन से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, केवल एक्स माइनस पाई बाई टू आएगा, यानी एक्स बराबर पाई बाई टू, इसको आप कह सकते हो कि टू एक्स बराबर पाई, ये यहीं पे आप खत्म कर सकते हो ये बता के कि ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है मौखिक तौर पे वो लिखित तौर पे इस तरीके से होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व दिस वन वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट अगर हम निकालने चले तो हमको स्लोप चाहिए और हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पहले मैं इसको y बराबर एम एक्स सी से कंपेयर कर लेता हूँ, पहले इसको y को इधर रखते हैं बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो माइनस टू एक्स प्लस टू, अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें तो आप देखें इसका स्लोप आ रहा है m माइनस टू। अब इसका स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस फोर बनेगा, दोनों साइड टू से डिवाइड कर दीजिए माइनस टू, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस टू बाय वाई। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वही ये स्लोप है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, इसको बराबर कर दीजिए टू के, ये इसको बराबर करते ही आपका वाई बराबर माइनस वन आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है माइनस नहीं, ये आपका माइनस टू है, ये माइनस टू था ठीक है, थोड़ी सी एक तब्दीली है तो माइनस टू है, तो वाई बराबर आपका प्लस वन आ जाएगा। अब वाई वन है तो एक्स क्या होगा, इसमें डाल दीजिए वन स्क्वायर बराबर थ्री माइनस फोर एक्स, तो फोर एक्स हो जाएगा थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन एक्स हो जाएगा टू बाय फोर यानी कि हाफ। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते
x क्या निकला हमारा हाफ, y क्या निकला 1, ये इसका उत्तर हो गया। करें कैसे इसको, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं करते समय, है ना, खुद ही कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले हमने काफी क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला जो बनता है, राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। अब क्रॉसेस द y एक्सिस, अब आप देखिए ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, है ना। अब जहां पर ये क्रॉस करेगी y एक्सिस को, अब y एक्सिस पे x जीरो होता है और x एक्सिस पे y जीरो होता है। अब ये टेंजेंट ऐसे क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट पे आपको बताना है ना। तो हमें ये तो नहीं पता कि y क्या होगा इस पे, लेकिन x जरूर पता है जीरो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जीरो कमों कमा y मान लेते हैं इसको, है ना। तो y क्या होगा अगर x जीरो है, तो इस पे पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर x जीरो है तो जीरो स्क्वायर माइनस, मैं x की जगह जीरो रख रहा हूँ, जीरो प्लस टू, तो y बराबर टू हो गया। इसका मतलब ये जो मैंने जीरो वाई पॉइंट बताया बेसिकली ये जीरो कॉमा टू है, तो जीरो कॉमा टू पे निकालना है आपको। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आएगा टू एक्स माइनस वन, ये टू एक्स माइनस वन, आपके पास पॉइंट तो जीरो टू है, जीरो टू पे निकाल लीजिए, टू इंटू ये जीरो आएगा माइनस वन, यानी कि माइनस वन आ जाएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, है ना। अब आपकी इक्वेशन निकालनी है आपको, तो वाई माइनस वाई वन, एक्स वाई तो है ही आपके पास, तो वाई माइनस टू बराबर एम एक्स माइनस जीरो, ये है माइनस वन, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये मैं रीअरेंज कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो, ये इसकी इक्वेशन हो गई। इस तरीके से आप करेंगे, ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। राइट द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस एट द पॉइंट वन टू। अब कोई एंगल, देखिए ये कर्व है या ये कर्व है, इसके बीच में क्या एंगल निकालोगे आप, तो एंगल निकालने के लिए हमको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट निकालना होता है। इस पे हमने टेंजेंट निकाल दी, और इसके बीच का एंगल निकालेंगे, लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे, वही कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन, इन्होंने कहा है 1.2 है, हाँ ये चीज तो बताइए इसमें 1.2, तो आप क्या करिए, इसका एम निकालिए, इसका एम निकालिए, मतलब दोनों के स्लोप निकालिए, और टेन थीटा होता है एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम वन एम टू, बस यही करना है आपको। एक्स वाई पॉइंट ऑलरेडी आपको पता है, तो उसका डीवाई बाई डी एक्स निकालिए, इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालिए और इसमें रख दीजिए, डीवाई बाई डी एक्स ही एम होता है। ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू आएगी उसको मॉडुलस कर दीजिएगा, उसका पॉजिटिव निकालना है आपको। चलिए कर देते हैं फटाफट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स बराबर फोर, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, टू एक्स इक्वल्स टू डीवाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहां पर आके आएगा डीवाई बाई डी एक्स, टू टू सा फोर, तो टू बाय वाई आ गया, ये क्या है आपका टू टू डीवाई बाई डी एक्स आपका आ गया सीधा x। अब आपके पास 1.2 पॉइंट है, x की जगह 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तो डीवाई बाई डी एक्स यानी कि आपका m1 आ गया 2 बाय 2 यानी कि 1 हो गया। ये डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, जिसको हम m2 कह रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स हो गया x जो कि 1 हो गया, है ना। तो अब इसके अंदर रख दीजिए, अगर मैं यहां रख दूं तो 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ऑलरेडी ये 1 माइनस 1 0 ही है, तो 0 ही हो गया ये, tan थीटा 0, और tan थीटा 0 किस थीटा पे 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, ये इसकी उत्तर हो जाएगी। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आपको फॉलो करना है। राइट द एंगल बिटवीन द कर्व्स दिस टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम चीज जो मैंने आपको बताई है उसी तरीके से होगी, आप करेंगे कि क्या इसमें कि एंगल बिटवीन दीज टू एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा आपको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स है, इसकी इक्वेशन से मतलब पहली इक्वेशन से वाई की वैल्यू उठा के यहां पर रख दीजिए दूसरे वाले में। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये रख दूं तो ई की पावर माइनस एक्स ये हो गया वाई, और ई की पावर एक्स ये हो गया, इससे क्या आपको मिलेगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाय ई की पावर एक्स, ये यहां जाएगा 1 बराबर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और ये जुड़ जाएंगे की पावर 2x। अब जानते हैं 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, अगर आपको निकालना है कोई वैल्यू तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर ये जो 2x होगा ये 0 होगा, क्योंकि हर चीज की पावर, कोई भी चीज ले लीजिए उसकी पावर जो 0 होती है वो 1 होता है, कोई भी ले लीजिए, है ना। तो जो भी चीज यहां पर होगी, अगर 2x ये e की पावर 2x 1 आ रहा है, इसका मतलब 2x जरूर 0 होना चाहिए, यानी कि x 0 होना चाहिए, तो इसे x 0 मिलेगा। अब x 0 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे y बराबर ex की पावर x है, x को 0 रख दीजिए, तो y क्या आ रहा है, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो आपके पास एक्स वाई पॉइंट आ गए, एक्स आ गया आपका 0, वाई आ गया 1, राइट, ये हो गया। अब ये जो चीज है इसमें कहा कि एंगल बिटवीन दीज टू, अब मैं इसका एम वन निकालता हूं जरा, इस वाले का क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं मैं, डीवाई बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, इसको एम वन, इसको एम वन कह दीजिए, इसको एम टू कर दीजिए। अब एम वन इंटू एम टू निकालिए जरा क्या होता है, ये क्या है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या है ई टू द पावर एक्स, इसको आप लिख सकते हो 1 बाय ई की पावर एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 आएगा केवल। तो एम वन एम टू माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो
इसकी टेंजेंट है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये कर्व भी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। इन्होंने कहा एंगल निकाली है इसके बीच में, हमने निकाल के दिखा दिया कि 90 डिग्री है। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप खुद कर रहे हैं तो। राइट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, इसके इसका नॉर्मल का निकालना है आपको एट द पॉइंट दिस दिस। तो इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इसका, आप डीवाई बाई डी एक्स निकालिए जो कि इसका स्लोप होगा, ये आता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका स्लोप, किसका, टेंजेंट का स्लोप है। और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, अगर मैं एम नॉर्मल लिखूं तो होगा माइनस वन बाय डिवाइडेड बाय दिस, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप, माइनस वन, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है इसमें, ये एक्स है ये वाई है, एक्स स्क्वायर रखेंगे या तेरे की थ्री स्क्वायर रखेंगे तो ये आपका नाइन हो गया। तो स्लोप क्या हो गया आपका, नाइन। यही इसका उत्तर है, और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही है इसका उत्तर। इस तरीके से देख लीजिए, वैसे तो आपको सब चीज़ें बतानी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन लिखना आपको इस तरीके से। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू दिस वन। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो एम कितना आ रहा है इसमें, थ्री, ये m बराबर 3 है, तो m 3 लेंगे हम, यानी कि जिसका टेंजेंट हो जाएगा उसको 3 के बराबर करेंगे। टेंजेंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, हम dy बाय डी एक्स कर रहे हैं, ये हो गया 4x और ये माइनस वन। अब ये जो स्लोप है और ये जो स्लोप है बराबर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है पैरेलल है इस लाइन के, तो 4x बराबर 4 हो गया, x बराबर यहाँ पर 1 आ गया, x 1 हो गया, है ना। अब x बराबर 1, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x और y निकालना है, तो x बराबर 1 है तो y क्या होगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, ये 2 आ गया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या आ गया, 1, 2, यही इसका उत्तर है। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है, इसको ऐसे फॉलो करेंगे आप। राइट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y बराबर cos x एट 0, 1। तो इक्वेशन हम पहले हम टेंजेंट ही निकाल पाएंगे, उसके बाद हम नॉर्मल निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे। तो सीधा पहले dy by dx करिए इसका, कितना cos x का, माइनस sin x। अब ये जो sin x है ये बेसिकली टेंजेंट है, तो टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है आपको, है ना। तो नॉर्मल का क्या होगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस मतलब वन बाय साइन एक्स आ गया है। अब आप देखिए एक्स ये है, वाई ये है, है ना, एक्स ये है, वाई ये है, तो एक्स वन बाय साइन जीरो रख दीजिए एक्स की जगह, वन बाय साइन जीरो जीरो ही होता है, तो वन बाय जीरो हो गया ये एक तरीके से। बेसिकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट हमने निकाल लिया, और माइनस वन बाय डिवाइड करेंगे माइनस साइन एक्स को, तो ये आपका वन बाय साइन एक्स आ गया, 1 बाय साइन जीरो। ये क्लियर हो रहा है आपको क्या आया, लेकिन ये देखिए cos x का माइनस साइन x होता है, यहाँ तक ये होगा माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं इसकी, y माइनस वाई वन बराबर, मैं ये x और y को ले रहा हूँ, ये x को जीरो लेना है, y को वन लेना है, y माइनस वाई वन बराबर m, m कितना आया आपका, 1 बाय जीरो, x माइनस हो गया आपका, ये है जीरो, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, x माइनस जीरो बराबर जीरो है, तो x बराबर जीरो आ गया, ये इसकी इक्वेशन हो, लिखा ऐसे जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स एट पॉइंट 0, 0, बस dy बाय dx निकालिए, साइन एक्स का हो गया cos x, 0, 0 पॉइंट है, x की जगह 0 रखना है, 0 रख दीजिए, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है। राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, अब टेंजेंट कैसे बनेगी, y माइनस वाई वन, ये x1 y, ये x लेंगे, ये y लेंगे, मतलब x1 y1 ये लेंगे, y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 0 बराबर m ही होगा ये, x माइनस 0, तो y बराबर x, ये इसकी इक्वेशन आ गई। देखिए जो मैं आपको शायद 20 या 10 सेकंड में बता रहा हूँ, लिखने में आपको कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा, इसलिए लिखना जरूरी है। तो यहाँ आपका VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की एक्सरसाइज खत्म होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।